बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंबाला किचन की जानिब से मैं हूँ लाला अंबालवी जी। तो आज की हमारी रेसिपी है हैदराबादी बिरयानी, मगर है तो हैदराबादी बिरयानी, मगर मेरी पोती कह रही थी दादा वो ये दादा पोती बिरयानी बनाए, ये कहती है मुझे भी, मैं भी वीडियो बनानी है, इसका नाम बिरयानी हैदराबादी नहीं दादा पोती बिरयानी है, लिहाजा मैं इसको दादा पोती बिरयानी ही कहूँगा। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, बहुत ही मज़े की वीडियो बनने वाली है जी। तो ये 2 किलो चावल की बिरयानी बना रहे हैं हम, 2 किलो ये जो चिकन है और 1 किलो आलू है। तो टमाटर लिए हैं हमने 1.5 पाव है, दही है 0.5 किलो है, और ये ब्राउन प्याज ब्राउन कर दिया है तो ताकि जल्दी से हम आपको खा सकें। तो 0.5 किलो इसमें ऑयल वो हमने कढ़ाई में डाल दिया है, टूटी हुई दादर मिर्च ये जाएगी, गरम मसाला साबुत जाएगा, धनिया पिसा हुआ जाएगा, नमक हसबे जायका, चावल भी हमने उबाल लिए हैं तो ताकि हम जल्दी से हम बना सकें। तो ये सबसे पहले ये चिकन बल्कि ये गरम मसाला साबुत गरम मसाला ये ऑयल में डालेंगे, इसमें छोटी इलायची बड़ी इलायची ज़ीरा काली मिर्च हर चीज़ इसमें शामिल है जो गरम मसाला हमने डाला है, और साथ ही हम ये चिकन डाल देंगे। ये 4-5 मिनट हमने चिकन को फ्राई किया है, उसके बाद ये आलू भी इसमें शामिल कर देंगे, कलर दही में शामिल कर लेंगे, और ये कुटी हुई मिर्च ये भी इसमें जाएगी, खुश्क धनिया पिसा हुआ ये भी इसमें जाएगा, नमक हसबे जायका कुछ हमने वो फ्राई करते हुए उसमें डाल दिया चिकन में, बाकी इसमें डाल लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आलू और चिकन ये फ्राई हो चुका है, इसे हमने शिफ्ट कर लिया है पतीले में जिसमें हम दम लगाएंगे। तो अब इस पे ये जो फ्राई प्याज है ये जाएगा कुछ इस तरीके से जाएगा, कुछ बाद में डालेंगे, और ये टमाटर सब्ज मिर्च ये धनिया दही शामिल कर देंगे, चावल 80% तक डन होने पे इसको जो हमने ये बनाया है चिकन वगैरह मसाला आप देख रहे हैं ये वो इसमें शामिल करना शुरू कर देंगे, जब तकरीबन 80% चावल उबल चुके हों, और इसको डालते डालते हम तकरीबन 90% तक ये चावल हमारे गल चुके होंगे, तो फिर इंशाल्लाह दम लगाएंगे, वो भी आपने साथ रहना। तो ये बाकी का प्याज भी इसके ऊपर डाल देंगे, और थोड़ा ऑयल ऊपर से डाल देंगे, को इसको दम पे लगा देंगे, जब ये पक गर्म हो जाएगा पतीला तो आँच इसकी धीमी कर देंगे, फिलहाल इसको तेज आँच पे 5 मिनट के लिए रखेंगे, 40 मिनट के लिए दम लगाएं जी। तो ये 40 मिनट हो चुके हैं दम लगाया था, जब भी बिरयानी बनाएं दम ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, अगर आप पुलाव बना रहे हैं या सादा चावल बना रहे हैं तो उसको 20 मिनट के लिए दम लगाया जाता है, बिरयानी को दम जो है वो 35 से 40 मिनट चाहिए होता है। कैसी बनी है हमारी बिरयानी,
तो मुझे उम्मीद है आज की हमारी रेसिपी, हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मुझे तवक्को है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर रोज़ नई से नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ बहुत जल्द दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए जा चाहूँगा। खुदा हाफिज़।